सकोटा माहौल देता है, सारे स्टूडेंट्स है तो कंपटीशन है, फोकस है, तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तुम मेडिकल में हो ना? जब मैं छोटी थी ना तब मैं भी डॉक्टर बनना चाहती थी, पर क्या, पर जब बड़ी हुई ना तो काफी इमोशनल निकली, तो पापा ने कहा डॉक्टर से इतने इमोशनल नहीं हो सकते, तो फिर इंजीनियरिंग। माँ बाप की डिसीजन शायद गलत हो सकती है, उनकी नीयत कभी गलत नहीं। क्या इंग्लिश 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 लगा रखा है बे? 4 साल का था मैं जब मेरे पापा जबलपुर में किसी हलवाई के यहाँ काम करते थे। यहाँ है एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन। अबे इंसेप्शन देख के इतना कंफ्यूज नहीं हुआ था जितना एक्सेप्शन ने कर दिया है। हर एटॉम अपनी मर्जी से एक्ट और रिएक्ट करता है यहाँ, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट बदलती रहती है, +2 -7 +3 -2। साला ऑक्सीजन तक की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं है। जब तुम्हारे खुद के एलिमेंट्स तुम्हारे सगे नहीं है तो क्यों कोई हैप्पी पीरियोडिक फैमिली बनानी? क्यों सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में थियरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, लैब वर्क, एक्सटर्नल, इंटरनल, मेजर्स, माइनर्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, थीसिस, कुछ भी हो सकता है यार यहाँ, कुछ भी हो सकता है। कलर भी सीधे सीधे नहीं बोलते, ग्रीन नहीं एप्पल ग्रीन, रेड नहीं क्रिम्सन रेड, पिंक नहीं हॉट पिंक। साला इस साल में एक बार कल्चरल फेस्टिवल आता, एक बार, उसके लिए भी प्रोफेसर से भीख मांगनी पड़ती। कुछ भी कराते रहते हैं, फ्लेम टेस्ट, सॉल्ट एनालिसिस, टाइट्रेशन, ब्राउन रिंग टेस्ट, रोटेन एक्सपेल। अबे क्यों सुनूं मैं सड़ा हुआ अंडा? अरे जिस बच्चे ने अपने बाप को जलेबी तलते देखा है वो तो यही सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। ये मैं बता रहा हूँ मीना, केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्टिव है। क्या कुछ नहीं किया इस सब्जेक्ट के लिए, असाइनमेंट्स, नोट्स, फ्लैश कार्ड, आ गया बेटा, 3-3 टीचर्स बदल दिए, पढ़ने की स्ट्रेटजी बदल दी, पर एंड रिजल्ट क्या? घंटा। It is not that we cannot speak English, sir. We are just very conscious of our diction and our pronunciation, and we are not confident to speak in front of anyone else. If the curriculum was a little bit diverse, if the engineering colleges in our country focused on our all-round development instead of functioning like a goddamn factory that is just mass-producing robots by killing their dreams and handing out degrees, I would not be sitting here in this pointless HR interview, the likes of which exist only in our country. Yellow, sir. बोल दिया मैंने 4 और लाइन अंग्रेजी में. अब बताइए. क्या मैं आपके मल्टीनेशनल कंपनी के लायक हूं? डू आई हैव द पोटेंशियल टू बी अ स्लेव ऑफ योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन?